हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, डेसिमल नंबर में आपके जीरो से लेकर, देखिए जो डेसिमल है इसमें आपके 0 to 9 तक नंबर आएंगे। इसलिए जो डेसिमल होता है इसका बेस 10 होता है, क्योंकि इसमें टोटल जो है वो 10 नंबर आते हैं डेसिमल में, और बाइनरी में केवल 2 नंबर आते हैं, जैसे आपका 1 and 2 दो नंबर आते हैं किसमें, बाइनरी में। और डेसिमल में आपके 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन देखा था कि कैसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी बहुत ही आसानी से, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इन क्वेश्चन से ही आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका है 17, इस 17 को आपने क्या करना है, इसके फैक्टर आपको बनाने हैं 2 के टर्म में। तो जब आप इसे देखिए, 2 से आप यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा रिमाइंडर, 1 बचेगा यहाँ पर आपका। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, 17 को 2 से डिवाइड किया, नीचे आपने लिखा जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया, और जो यहाँ पर आपका रिमाइंडर है वो आपने इस साइड लिख दिया है 1। अब जब आप 2 से फिर 8 को करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, और ये आपका 4 बारी में जाएगा। फिर आप इसे 2 से करेंगे तो फिर आपका जो 4 है वो 2 बारी में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। फिर आप 2 से इसे डिवाइड करेंगे, फिर आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ पर जो है 1 बारी में ये आपका जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, नीचे 1 आ गया है, 1 आने के बाद आप यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से, तो जो आपका ये जो नंबर आएगा वो आपके पास आएगा 10001, ये आपके पास आ गया। आपने इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और आपके पास आंसर आया 10001। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 2 से डिवाइड करना है। आपको यहाँ राइट हैंड साइड में जो ये हमने ब्लॉक बनाए, ये वाले, इस ब्लॉक में आपको लिखना है कि क्या रिमाइंडर बचेगा, और नीचे आपको लिखना है कि क्वेश्चन कितने बार में गया, ये आपको लिखना है इसमें। इस तरीके से आपका ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी से डेसिमल में। अब आप यहाँ पर देखिए, दूसरा डेसिमल से बाइनरी में, सॉरी डेसिमल से आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर है 38 क्या बेस 10, यानी इसमें आपको 38 यहाँ पर नंबर है, ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 आप यहाँ पर लिखिए। अब आप देखिए कि 38 कितनी बार में जाता है, 19। जब आप 2 को 38 से यहाँ पर करते हैं डिवाइड तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर जब आप 2 को 19 से करेंगे तो आपका जो यहाँ पर रिमाइंडर है वो यहाँ पर 1, और यहाँ 9 बारी में आएगा 18। फिर आप 2 से करेंगे तो फिर आपका यहाँ पर आएगा, देखिए 1, और यहाँ पर आएगा 4, क्योंकि 4 बारी, 2 4 8 होता है, एक यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। फिर आप यहाँ पर 2 से इसे करेंगे, यहाँ पर 0 रिमाइंडर, ये आपका 2 बारी में जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर फिर 0, फिर यहाँ पर 1। तो देखिए, ये आपका जो कन्वर्ट होगा, ये आपका आया यहाँ पर 1। इस तरीके से आप यहाँ पर जाते हैं 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 का बेस 2। तो यहाँ पर आपने डेसिमल को बाइनरी में इजीली जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा आपको साइड में रखना है, और फिर नीचे आप क्वेश्चन लिखते जाएंगे। इस तरीके से नीचे आपका पूरा जो है वो कटता हुआ आपका नंबर आएगा, जैसे 2 ने 38 को 19 बार में यहाँ पर काटा, तो 19 आप लिखेंगे पूरा। फिर यहाँ पे 19 से आप देखिए कि 19 तो जाता नहीं है, तो 9 जो जाता है 18, एक आप फिर बाहर लिख लेंगे। इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। जैसे आपने यहाँ पर दोनों सवालों में देखा, सेम चीज़ आपको यहाँ पर करनी है कि इसे 2 से डिवाइड करना है, एक साइड आपको क्या लिखना है रिमाइंडर, और नीचे आपको पूरा डिवाइड कर देना है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका डेसिमल नंबर है, जो आपका यहाँ पर देखिए, पिछले वाली वीडियो में हमने बाइनरी से
डेसिमल कन्वर्ट किया था, किससे, बाइनरी से डेसिमल। और इस वीडियो में हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट किया, यानी ठीक उसका अपोजिट हमने इस वीडियो में किया है। यदि आप इसकी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। आप हमारे चैनल को त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, त्रिशक्ति अकेडमी इंस्टाग्राम 03, त्रिशक्ति अकेडमी टेलीग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।